हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वर्कशीट फोर कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट फोर है वर्ड्स प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, नीतू बॉट 3 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट एंड 2 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउजर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ सेट सॉरी सी बॉट। अब देखो, नीतू जो है वो शर्ट के लिए कितने मीटर क्लॉथ ली, 3 मीटर एंड 75, एंड फॉर ट्राउजर 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। टोटल लेंथ के लिए हम लोग को दोनों को टोटल टोटल मीन्स ऐड करना पड़ेगा। देखो तो कैसे नोट्स में कैसे सॉल्व करेंगे। क्लॉथ ऑफ शर्ट, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ शर्ट भी लिख सकते हैं। क्लॉथ लिख लो या फिर लेंथ ऑफ शर्ट, क्या है 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्राउजर 2 मीटर 20 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए ऐड कर लेंगे, 5 है, 5, 7 प्लस 2 9, 3 प्लस 2 5, मीटर है, यहाँ मीटर लिख दे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा, 5 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अमित ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर 550 मीटर बाय ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से वो 15 किलोमीटर है 550 मीटर कवर करता है, ट्रैवल करता है, बस से 12 एंड 400, एंड बाय स्कूटर 1 किलोमीटर एंड 250 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल। अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया है, तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तीनों के डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देते हैं। अमित ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से वो कितना 15 किलोमीटर किया है, बाय बस एंड बाय स्कूटर। अब इन दो तीनों को ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 3 1 आ गया कैरी, ठीक है। अब 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 1 2 किलोमीटर है, किलोमीटर लिख लिया, मीटर है तो मीटर। आंसर क्या आया, 29 किलोमीटर एंड 350 मीटर, टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल 29 किलोमीटर एंड 350 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिसेस रेनु हैज अ रिबन 16 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, सी कट इट इंटू 2 पीसेस, 1 पीस इज 8 मीटर 90 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पीस। मिस रीनू जो है वो रिबन कितने सेंटीमीटर का ली, कितने मीटर, 16 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसको वो 2 पीस में कट कर दी, उसका फर्स्ट पीस कितने सेंटीमीटर कितने मीटर का है, 8 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर, तो सेकंड पीस कितने मीटर का होगा, टोटल में से हम लोग फर्स्ट पीस को माइनस कर देंगे तो सेकंड पीस हम लोग फाइंड कर लेंगे। टोटल लेंथ ऑफ रिबन क्या है, 16 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ 1 पीस, फर्स्ट पीस का लेंथ क्या है, 8 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 माइनस 0 5, ठीक है, 7 माइनस 9 नहीं होगा, बोरो लिए 17, ठीक है, 17 माइनस 9 8, 6 इसको बोरो दिया किसमें कन्वर्ट हो गया, 5, अब ये इससे बोरो लेगा 15, 15 माइनस 8 7, मीटर में यहाँ मीटर और ये सेंटीमीटर। आंसर क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ अदर पीस इज 7 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द हाइट ऑफ राम एंड श्याम आर 1 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, हु इज टॉलर एंड बाय हाउ मच। अब देखो इसमें राम और श्याम का हाइट दिया हुआ है, अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि राम और श्याम में से टॉलर यानी कि हाइटेड ज़्यादा कौन है, लंबा कौन है, और वो कितने सेंटीमीटर या फिर मीटर के लिए लंबा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, राम और श्याम के हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाइट ऑफ राम 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ श्याम 1 मीटर एंड 28 सेंटीमीटर, आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 मिनट सब्ट्रैक्टिंग का बोरो लिए 15, 15 माइनस 8
सेवन इसको बोरो दिया सिक्स, सिक्स माइनस टू फोर, वन माइनस वन ज़ीरो सेंटीमीटर, 0 मीटर। तो ज़ीरो को तो लिखना नहीं पड़ता है, क्या होगा 47। राम इज टॉलर बाय 47 सेंटीमीटर। कौन टॉलर है? राम। और कितने के लिए? 47 सेंटीमीटर के लिए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, एन आंट क्लाइंब 9 मीटर्स 50 सेंटीमीटर ऑन अ वॉल, देन इट कम डाउन 4 मीटर 75 सेंटीमीटर अलॉन्ग द सेम वॉल, हाउ फार इज द आंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो जो आंट है वो वॉल पे कितना कितने हाइट तक चली गई, 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट करके, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वॉल है ठीक है, वो यहाँ तक की हाइट में चली गई, उसके बाद वो फिर से नीचे रिटर्न आए कितने किलोमीटर, सॉरी कितने मीटर, 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फाइंड करना है कि वो कित स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस में है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिस्टेंस क्लाइम्ड बाय द आंट कितना की 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन कमिंग डाउन जब वो वापस नीचे आए तो कितना कवर की, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उसका कितना डिस्टेंस है, कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके, 0 में 5 सब्ट्रैक्टिंग, अब बोरो लिए 10, 10 माइनस 5 5 ठीक है। अब ये इसको बोरो दिया था किसमें करना, ठीक है 4 4 माइनस 7 नहीं होगा, फिर से बोरो लिए 14 14 माइनस 7 7, ये इसको बोरो दिया किसमें कन्वर्ट हो गया 8 8 माइनस 4 4, मीटर रहते हैं मीटर और ये सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, अब इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 4 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर ठीक है। वर्कशीट 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।